इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर लाइव और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एमपीपीएससी को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता को मुख्य परीक्षा में शामिल करने का आदेश भी दिया है। हाई कोर्ट में एमपीपीएससी परीक्षा 2020 को लेकर एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि एमपीपीएससी द्वारा वर्ष 2020 के लिए 25 जुलाई 2021 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम 15 जनवरी 2022 को रिजल्ट घोषित किया। घोषित परिणाम में कुछ परीक्षार्थियों को परीक्षा में पूछे गए सवाल के सही जवाब न देने पर अपात्र घोषित कर दिया गया। परीक्षार्थियों ने जब एमपीपीएससी द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब को अलग अलग किताबों में देखा तो उनके द्वारा दिए गए जवाब सही थे। परीक्षार्थियों ने एक याचिका इस संबंध में हाईकोर्ट में लगाई थी। मामला इस प्रकार है कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2020 का एग्जाम कंडक्ट किया था 25/7/2021 को, इसका रिजल्ट घोषित हुआ 15 जनवरी 2022 को, तो इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया और उनको नंबर नहीं दिए गए, तो उनके द्वारा पिटीशन दाखिल की गई कि जो आंसर उन्होंने टिक मार किया है वो सही आंसर है। उसके सपोर्ट में 4-5 राइटर की बुक्स भी प्रस्तुत की गई, तो माननीय न्यायालय ने उसको प्रथम दृष्टया माना कि पीएससी द्वारा जो प्रश्न का उत्तर इन्होंने मार किया है वो सही है और जो पीएससी ने अवार्ड मार्क्स किए हैं वो गलत हैं। तो माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को कि जो पिटिशनर हैं इनको आगामी जो परीक्षा होने वाली है 2020 का मुख्य एग्जाम, उसमें इनको शामिल किया जाए। बॉलीवुड की फिल्म बंटी बबली की तरह एक युवक युवती ने शादी समारोह में सबकी आंखों के सामने से लाखों के सोने चांदी के जेवर चोरी करते हुए इत्मीनान से रफूचक्कर हो गए। जब ज्वेलरी पहनने का समय आया तब हड़कंप मच गया। वहीं सीसीटीवी फुटेज में जब देखा गया तो वही युवक युवती हाथ में सूटकेस लेकर बाहर जाते हुए दिखाई दिए, जहां सूटकेस में 4 लाख रुपए कीमत के जेवर रखे हुए थे। वहीं इसकी शिकायत विजयनगर थाने में की गई है। शाहपुरा से आए हैं, यहाँ पर विजयनगर अग्रसेन मंडप में शादी थी, हमें बड़ी मम्मी की लड़की की शादी थी, उसमें आए थे। रात में जयमाला होनी थी तो सब गोल्ड वाला ज्वेलरी निकाल के मैंने सूटकेस के अंदर रखा और आर्टिफिशियल वाला पहन के चली गई मैं। और फिर वहाँ से बस 10 मिनट में बच्चे आया एक, तो बोला चोरी हो गई। मैंने पहले सोचा किसी और का हुआ, जब हम लोग गए रूम के अंदर देखा तो पूरा सूटकेस ही लेके गायब। बहुत देर तक वो सीसीटीवी वाले को ढूंढते रहे कि भैया आओ दरवाज़ा खोलो, तब वो आधा पौन घंटा में आया। फिर उसने सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो उसमें पूरा साफ दिख रहा है, वो बैग लेके हम लोग के रूम से बाहर निकला है। थाने में हम लोग सर सुबह से हैं, कल रात में भी कहते, पर FIR दर्ज नहीं हुई है अभी तक। बोल रहे कि अभी शाम तक हो जाएगी, पर अभी तो हम लोगों को यहाँ भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के नवागत अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सिसोदिया ने कार्यभार ग्रहण करते हुए राज्य के शासकीय कर्मचारियों की लंबित मांगों को शीघ्र लागू करने के लिए प्रदेश सरकार के समक्ष 22 फरवरी को ज्ञापन देने वाले हैं। सरकार को ज्ञापन के माध्यम से बताने वाले हैं। सिसोदिया का कहना है कि वो कर्मचारियों के हितों के लिए आगे भी लगातार लड़ते रहेंगे और उनके अधिकार और हक दोनों को दिलाएंगे। आज हमने मूलतः दो विषय पर आज बैठक ली गई है। पहला ज्वलंत मुद्दा है हमारा, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की ज्वलंत कई मांगें हम साल भर से लगातार प्रयास कर रहे हैं शासन से, लेकिन शासन उन पर गंभीरता से विचार नहीं कर रहे। उसके लिए 22 तारीख को हमने जिला स्तरीय 22 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन देने का निर्णय लिया है पूरे मध्य प्रदेश में, और 7 मार्च को प्रदेश स्तरीय ज्ञापन होगा हमारा। दशहरा मैदान में हमारा एक बृहद आंदोलन है, उसके बाद भी सरकार हमारी नहीं सुनती तो फिर अगला चरण हमारा विधानसभा बैठने का। उसमें कर्मचारी की मूल वर्तमान में सबसे ज़्यादा ज्वलंत समस्या है हमारी, DA हमारा 11% अभी भी हमारा DA बाकी है। 7वें वेतनमान के अनुसार हमारा मकान भाड़ा, ये दोनों हमारी मांगे हैं। तीसरी मांग है हमारी अनुकंपा नियुक्ति, पूर्णतः कोरोना काल में जो हमारे कर्मचारी भाई मृत हुए हैं उनके परिवार को दी जावे। सबसे गंभीर मुद्दा है जो 2004 के बाद नियुक्त हमारे कर्मचारी, चाहे वे किसी वर्ग का हो, द्वितीय श्रेणी या फर्स्ट क्लास का भी हो, तो क्या है NPS का मुद्दा है। सभी कर्मचारी चाहते हैं कि पुरानी पेंशन पुनः बहाल की जाए। वेतन विसंगतियों की मांगे हैं, नियमितीकरण की भी दैनिक वेतन को भी कार्यभारित कर्मचारियों की मांगे हैं हमारी। ये सतत इस तरह की 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हम 22 तारीख को मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन के साथ भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में ज्ञापन दिया जाएगा।
योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जामदार हॉस्पिटल जबलपुर, नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बायपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर के गोरा बाजार थाना क्षेत्र के तिलहरी इलाके में जिस प्रकार से महाराष्ट्र बैंक के एटीएम में पैसे डालने गई कैश वैन में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, उस पर अभी तक पुलिस को लुटेरों का पता नहीं चल पाया है। जबलपुर पुलिस द्वारा इन जाते लुटेरों को पकड़ने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। मामले को लेकर पुराने बदमाशों और निगरानी शुदा बदमाशों से भी पूछताछ जबलपुर पुलिस द्वारा की जा रही है। वहीं पुलिस आरोपियों से संबंधित पहलुओं को बारीकी से देख रही है, जिससे कि घटना को अंजाम देने के आरोपियों का पता लगाया जा सके। इसमें अपडेट यह है कि पुलिस की भरसक प्रयास जारी है, रेगुलर फीडबैक लिया जा रहा है। करीबन 150 से 300 हमारे पुलिस कर्मचारी प्रैक्टिकली शहर के प्रत्येक CSP एवं TI इसी खोज में लगे हुए हैं। जो भी हमको फुटेजेस या जो भी सूत्र जो हमको मिलते हैं, चाहे वो CCTV फुटेज हो, चाहे कोई भी किसी प्रकार का कोई भी पब्लिक का इनपुट हो, उसको हम सघनता से वेरीफाई कर रहे हैं। चारों तरफ की जो एग्जिट रूट्स हैं उसको एग्जामिन किया जा रहा है। जितने भी निगरानी गुंडे बदमाश हैं उनसे भी फीडबैक, उनको उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि कहीं उनके पास कोई पॉइंट तो नहीं है। पॉइंट्स काफ़ी सारे मिलते हैं, लेकिन उनको हम वेरीफाई करते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता अभी अपने पास क्लू भी नहीं है, लेकिन लगे हैं हम पूरा भरसक प्रयास चल रहा है। मुझे आशा है हम जल्दी इसको। पार्टी संगठन और सामाजिक कामों के अलावा मरीजों की देखभाल में काफी लंबे समय से जुटे रहे संस्कारधानी जबलपुर के सामाजिक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता डॉक्टर जितेंद्र जामदार को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है। राज्य सरकार ने जन अभियान परिषद का उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार को नियुक्त किया है। उनके इस पद पर नियुक्त होने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल बना हुआ है। डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने कहा है कि मैं ये कोशिश करूंगा कि जन अभियान परिषद को मैं उस मुकाम तक पहुंचाऊं जहां पर कि स्वर्गीय अनिल दवे जी ने चाहा था। मध्य प्रदेश के हम सब रहवासी हैं, हम सब स्वर्णिम मध्य प्रदेश का स्वप्न देखने वाले लोग हैं। इस स्वप्न को साकार करने के लिए प्रदेश शासन ने अनेक प्रकार के उपक्रम चलाए हैं, और प्रदेश शासन के इनमें इन सारे उपक्रमों में एक सबसे महत्वपूर्ण उपक्रम है जन अभियान परिषद, क्योंकि जन अभियान परिषद ये अशासकीय संस्थाओं और शासकीय व्यवस्थाओं के बीच में सेतु का काम करता है। तो सबसे पहले तो मैं प्रदेश शासन को, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, हमारे माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कटनी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय विश्वदत्त शर्मा जी को और हमारे मूल संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को इतना बड़ा दायित्व दिया है, और इस दायित्व का निर्वहन करना और यथा शक्ति पूरे प्रदेश के अंदर जन अभियान परिषद का एक आउटपुट देना जिसके माध्यम से प्रदेश की प्रगति हो और हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ अग्रेसर हों, ये मेरा कर्तव्य है, मैं इसका पालन। जबलपुर लाइव में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।